गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप लोग का आर के रंजन इंग्लिश क्लास और आर के रंजन इंग्लिश चैनल में स्वागत है। आज हम लोग लिटरेचर शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कल फोन किए कि सर लिटरेचर हम लोग का कैसे होगा, लिटरेचर में हम लोगों को कहानी पढ़ना है, प्रोज पढ़ना है, पोएट्री कविता पढ़ना है, नोवेल उपन्यास पढ़ना है, तो ये सारे चीज कैसे होंगे, पेपर पढ़ने कैसे आएगा, मैगजीन पढ़ने कैसे आएगा, उसका अर्थ निकालने कैसे आएगा, इन तमाम चीज को हम लोग लिटरेचर में पढ़ने का काम करेंगे। तो आज से जो शुरू हो रहा है वो लिटरेचर का सिलेबस शुरू हो रहा है, ग्रामर का वीडियो अपलोड हो रहा है, वो होते रहेंगे, और बहुत सारे विद्यार्थी की आवश्यकता है, मांग है, डिमांड है लिटरेचर। तो आज हम लोग शुरू करते हैं लिटरेचर। आइए हम लोग लिटरेचर काम करें। सबसे पहले हम लोग 12th का किताब कंप्लीट करेंगे। 12th का जो किताब है जो मैं कंप्लीट करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे जो 11th का है वो भी पढ़ेंगे, जो बच्चे 12th के हैं वो भी स्टडी करेंगे, जो 12th पास आउट है वो भी देखेंगे। क्योंकि जब मैं किताबों को पढ़ाऊंगा, लिटरेचर को पढ़ाऊंगा, तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज होगा कि आप में वर्ड पावर डेवलप करेगा। कम से कम 40,000 वर्ड आपका कंट्रोल होगा ये कंप्लीट 12th सेक्शन को जो मैं पढ़ाऊंगा। तो जो भी 12th की किताब है, लिटरेचर है, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो आपको लगभग 40,000 वर्ड कंट्रोल आ जाएगा। और 40,000 वर्ड होने का मतलब है कि एक दो दफा में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होगा, फेस होगा। तो आइए शुरू करते हैं आपका लिटरेचर। 12th का जो बुक है, 12th का जो बुक है, पहला जो किताब आपको पढ़ना है, ये किताब आप देख ले, ये किताब आप लोगों का पढ़ना है, यहाँ है रेनबो Part-2। ये किताब आपके पास होना चाहिए। इस किताब को मैं शुरू कर रहा हूँ। इस किताब में जो प्रथम चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लिखने वाले हैं महात्मा गांधी। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर को। कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाई महात्मा गांधी। इसमें जो टॉपिक का नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। पहले समझिए, संस्कृति तो हम लोग सीख जाएंगे, जो चलते आ रहा है हमारे दादा परदादा से, संस्कृति क्या है, हम लोग का पहनावा ओढ़ावा खान पान कैसा है, अलग हर धर्म में अलग संस्कृति होता है, उसके शादी ब्याह करने का अलग तरीका होता है ना, जन्म मरण में अलग प्रक्रियाएं होती है, उसका खान पान रहन सहन डिफरेंट होता है, सबका संस्कृति अलग होता है। लेकिन एक सभ्यता समझिए, सभ्यता बहुत जरूरी है। हमारा सभ्यता, आपका सभ्यता, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के मानव की सभ्यता को समझिए, सभ्यता बहुत जरूरी है। सभ्यता समझने के लिए दो चीजों का समझना अति आवश्यक है, एक समझिए इच्छा और एक आवश्यकता। जैसे मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना चाहिए, यह हमारी आवश्यकता है। और मैं खाना खाना चाहता हूं कहां, अनामिका होटल में। मैं खाना खाना चाहता हूं कहां, मोड़िया लोक में। मैं खाना कहां खाना चाहता हूं, ताज होटल में। तो ये हमारी इच्छा है। ये क्या है, इच्छा है। फिर समझिए, मुझे वस्त्र, मेरे पास वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो मुझे शॉर्ट पैंट मिल गया, मैंने पहन लिया, ये हमारा आवश्यकता है, ये जरूरी का चीज है। लेकिन मुझे कपड़ा किसका चाहिए, रेमंड कंपनी का चाहिए, कल किसी और कंपनी का चाहिए, परसों किसी और कंपनी का चाहिए, मतलब मैं बदल बदल कंपनी कपड़ा पहनना चाहता हूं, ये हमारा क्या है, इच्छा है। तो आवश्यकता मानव के लिए जरूरी है, लेकिन इच्छा जरूरी नहीं है। और अगर इच्छा है भी तो इच्छा का एक सीमा होना चाहिए कि मैं रोज घर का खाना खा रहा हूं, कभी मन किया तो होटल में जाकर खाना खा लेंगे, तो ये चलो ठीक है, एक सीमा है ना। तो इच्छा एक सीमा में होना चाहिए। मेरे पास एक बाइक है, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक खराब हो गया, टूट फूट गया, तो मैं नया बाइक ले लिया, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन मेरे पास एक बाइक है, एक और बाइक लेना, फिर कल, फिर परसों, फिर नया नया बाइक रखना, ये इच्छा, और इच्छा में दिक्कत है। तो मानव को, मानव के जीवन में आवश्यकताएं जरूरी है, आवश्यकताएं होनी चाहिए। लेकिन जब मानव इच्छा में चला जाता है और वह इच्छा अनंत हो जाए, मतलब इच्छा का एक सीमा नहीं हो, इच्छा एक अनंत में चला जाए, तब यह अनैतिक है, यह गलत है। तो सभ्यता क्या करती है, सभ्यता का डेफिनेशन क्या है, सभ्यता क्या कहती है? सभ्यता कहती है कि मानव जो अपने इच्छाओं का अनंत फैलाव कर रहा है, उस पर मानव को स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाना सिखाती है। कौन? सभ्यता। सभ्यता मानव के अनंत फैलाव इच्छाओं पर स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाना सिखाती है।
अर्थात जब हम लोग अपनी सभ्यता में रहेंगे, अपने अनंत फैलाव इच्छाओं पर स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाना सीखेंगे, या सीखते हैं या रखते हैं, इसका मतलब हम लोग अपनी सभ्यता में हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपनी इच्छाओं को एक सीमा में नहीं रख रहे हैं, सीमाओं को तोड़ अनंत सीमाओं में ले जा रहे हैं, अनंत फैलाव कर रहे हैं, तो वैसे में मानव असभ्य बन जाता है और नैतिक बन जाता है। वह गलत काम करता है, वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह लूटता है, छीनता है, मर्डर करता है, बैंक लूटता है, गलत काम करता है, झूठ बोलता है, अर्थात मानव असभ्य हो जाता है, मानव अनैतिक हो जाता है, मानव अमानवीय हो जाता है, और ऐसे लोगों से समाज गलत दिशा में चला जाता है, समाज गलत दिशा में, गलत गति में चला जाता है। अर्थात हम लोगों को क्या करना है बाबू, हम लोगों को सभ्यता को कायम रखना है, हम लोगों को सभ्यता में रहना है, अपनी इच्छाओं का अनंत फैलाव नहीं करना है, उस पर स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाना है बिना किसी का कहे। स्वेच्छा मतलब बिना किसी को कहे हुए, इन्हें कि वो कहेगा तब मानना है, स्वेच्छा से उस पर प्रतिबंध लगा देना है। और जो आवश्यकताएं हैं वो ठीक है, इच्छा भी एक सीमा में सही है, लेकिन वो इच्छा अनंत नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने सभ्यता को समझा। बहुत डिफिकल्ट चीज है, बहुत सारे लोग सभ्यता नहीं समझते हैं, समझिए। और इस वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं लिटरेचर शुरू कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को लिटरेचर से डर लगता है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ हूँ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है, यह विश्वास रखिए, ठीक है। आप इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ लिटरेचर का वीडियो, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारा कॉल आ रहा था लिटरेचर के लिए, आप इस वीडियो को हिंदुस्तान के छोटे से छोटे कस्बे, छोटे से छोटे गांव में आप पहुंचा दीजिए, ताकि वो बच्चे साहित्यिक से डरे नहीं, वो समझे। और डरना क्या है, यूं तो ख्वाबों की दुनिया हर कोई सजाता है, मगर पाता वही है जो अपना तकदीर खुद बनाता है। इसीलिए आप उसको मौका दे सीखने का, बच्चे मेहनत करेंगे। मैं बारंबार आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, कि जब भी मेरे साथ बैठे तो कलम कॉपी के साथ बैठे, आज से बैठना है कलम कॉपी के साथ, और जो 12th का आपका जो लिटरेचर है, 12th का जो आपको किताब है, इसके साथ बैठे, 12th के किताब के साथ बैठे, और ये चीजों को देखे। आपका जो पहला जो चैप्टर है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, महात्मा गांधी जी के बारे में इस चैप्टर के शुरुआत में 6 लाइन दिया गया है, महात्मा गांधी जी के बारे में ब्रीफ जानकारी दिया गया है, जिसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैप्टर में कुल 24 पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ में, किसी पैराग्राफ में 1 लाइन है, किसी में 2 लाइन है, किसी में 5 लाइन है, वो हर पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, हर लाइन को पढ़ेंगे। अंत में इस चैप्टर से जो संबंधित जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, मैचिंग पॉइंट हो, ग्रामेटिकली क्वेश्चन हो, तमाम क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, तमाम क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमने आपको क्या समझाया, भारतीय सभ्यता, सभ्यता क्या है, हमने यह समझाया, फिर एक बार सुनेंगे। मानव जो अपनी अनंत इच्छाओं का फैलाव करता है, उस पर मानव स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाता है, यही सभ्यता है, और यही सभ्यता हम लोग को सिखाती है। तो भारतीय सभ्यता आप लोग समझा, चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, लिखने वाले हैं महात्मा गांधी। चलिए शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जन्म हुआ था 1869, ऑब्जेक्टिव पूछता है ध्यान रखिएगा, उनका ध्यान हुआ 1948, याद कर लेना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 1869, उनका ध्यान कब हुआ, 1948, उसको बार बार ध्यान रखना है। पॉपुलरली वह विख्यात थे, नोन एज बापू, वह बापू के नाम से विख्यात थे, और द फादर ऑफ द नेशन, और वह राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात थे, और द फादर ऑफ द नेशन, और वह राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात थे। वो जो मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, वह एक आत्मिक नेता थे, देन अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिक से ज्यादा वह एक आत्मिक नेता थे, वह आत्मा से नेता थे। अब एक आत्मिक नेता क्या है, एक टर्मोलॉजी है, आप समझिए। आत्मिक समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आपके समाज में ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे बहुत मीठा मीठा बात करता हो, लेकिन कभी भी वो आपके विकास के लिए काम नहीं किया, आपको वो सहयोग नहीं किया, उसका जो काम है वो आपके अगेंस्ट में है, वो आपको सहयोग नहीं कर रहा है, अर्थात वो आदमी ठीक नहीं है।
और कोई आदमी आपसे कड़वा ही बोलता है लेकिन वो ऐसा काम करता है जिससे आपका विकास हो, जैसे माता पिता गुरुजी भला ही वो अपने बच्चों को पीटते हैं डांटते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा, हमारा जो बेटा है बेटी, हमारा जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़े। तो वो आदमी को देखिए ध्यान से, भलाई आपको कड़वाहट बोली है, आपको पीटा जा रहा है, आपको डांटा जा रहा है, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है, वह जो बात कर रहे हैं, वह जो काम कर रहे हैं, वो आपके विकास के लिए कर रहे हैं। अर्थात लोगों की बातों पर मत जाइए कि वो मीठा बोल रहा है कड़वा बोल रहा है, आप उसके काम पर जाइए। काम जो वो कर रहा है क्या आपके लिए कर रहा है, क्या आपके उत्थान के लिए कर रहा है, क्या आपके विकास के लिए कर रहा है, आपके डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, अर्थात वो अच्छा व्यक्ति है आपके लिए। अगर कोई आदमी आपसे मीठा बोलता है लेकिन काम आपके डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहा है, आपके सहयोग के लिए नहीं कर रहा है, आपके उत्थान के लिए नहीं कर रहा है, आपके डिक्रीजमेंट के लिए काम कर रहा है, आपके विघटन के लिए काम कर रहा है, आपको तबाह करने के लिए काम कर रहा है, अर्थात वो आदमी आपके लिए ठीक नहीं है। अर्थात आदमी को आप वचन से नहीं, बोली से नहीं पकड़े, उसके कर्म से पकड़े कि वह काम क्या कर रहा है। क्योंकि काम से मानव पकड़ में आता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं काम से शिक्षक हूं, कोई बस चला रहा है तो काम से वो बस ड्राइवर है ना। तो काम से मानव को पकड़िए, बात से नहीं, बात से पकड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है एक आत्मा से नेता थे, वो हरेक लोगों से प्रेम करते थे, हरेक लोगों के लिए वह सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते थे जीवन में, इसीलिए वह एक राजनीतिक होने से ज्यादा एक आत्मिक नेता थे। ध्यान से देखेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ पर एक कॉमा है और यहाँ पर एक कॉमा है, दो कॉमा के बीच में जो आता है अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया है, इसको बोलते हैं नाउन इन ए पोजिशन। सिंटैक्स में आप लोगों को पढ़ना है, तो नाउन इन ए पोजिशन आपका भर तय नहीं करता है, आपका सब्जेक्ट भर तय करता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी एक व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, तो वाज लगा हुआ है और ये कंपरेटिव डिग्री है, कंपरेटिव डिग्री में मोर के साथ बैल लगता है। तुलना हुआ कि महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ होने से ज्यादा एक आत्मिक नेता है, इसलिए दो चीजों में तुलना किया गया है, इसलिए मोर और जैन का प्रयोग किया गया है। इसको हम लोग डिग्री में पढ़ेंगे, लाइन को समझिए, एक एक लाइन को समझाने का मैं काम करूंगा, एक एक वर्ड को समझाने का काम करूंगा, उसके हिंदी को समझाने का मैं काम करूंगा, उसके अर्थ को भी मैं लिखूंगा, इसीलिए कलम कॉपी के साथ बैठे। फिर समझिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ, 1869 को हुआ, उनका देहांत 1948 को हुआ, और वह बापू और राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात है। वो मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वह एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा एक आत्मिक नेता थे, ये बात को ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। अब एक लाइन का जो हिंदी है हमने आपके यहाँ नीचे लिख दिया है कि बापू और अथवा राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ, 1869 को, ध्यान 1948 को, एक राजनीतिक होने से ज्यादा एक आर्थिक नेता थे। तो किसके बारे में चर्चा है, चर्चा है मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, वह क्या है, वह बापू और राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात है। तो देखेंगे जो आपका लाइन नंबर वन है उसका हिंदी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लाइन को अपने कॉपी में लिखे, है ना। आप ये भी लिखे कि पॉपुलरली का मतलब क्या होता है, विख्यात होता है, स्पिरिचुअल लीडर का मतलब क्या होता है, आत्मिक नेता होता है, इसको भी लिखे, और ये जो लाइन है इसका हिंदी को भी आप लिखे, है ना, कि बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात मोहनदास करमचंद गांधी एक राजनीतिक होने से ज्यादा एक आत्मिक नेता थे, और इस पर प्रैक्टिस करें तब जाकर आपको लाइन क्लियर होगा। और साथ साथ ग्रामर जो पढ़ा रहे उसको नहीं भूलना है, ये सेंटेंस कैसे बना, तो किताब का लाइन है, किताब का लाइन है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये निर्माण कैसे हुआ है, जैसे हमने बताया कि नाउन इन पोजीशन है, निर्माण कैसे हुआ है, यहाँ पर जो है आपका भर्ब कैसे आया है, यहाँ पर मोर देन कम्पिटेटिव निर्माण कैसे हुआ है, ये सब ग्रामर में हम लोग सीखते हैं, इसलिए ग्रामर का जो वीडियो अपलोड करते हैं उसको ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। चलिए चलते हैं अगले लाइन की तरफ। अगला लाइन कहता है कि ही सक्सेसफुल्ली, सक्सेसफुल्ली का मतलब होता है सफलता पूर्वक, यूज प्रयोग किया, ट्रूथ सत्य एंड नॉन वायलेंस अहिंसा, है ना। तो महात्मा गांधी जी उन्होंने सफलता पूर्वक प्रयोग किया क्या, सत्य एवं अहिंसा का, महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा का सफलता पूर्वक प्रयोग किया। अब एक सत्य टर्म आ गया कि सत्य क्या है, सत्य समझिए, जैसे व्यक्ति के अनुकूल और परिस्थिति के अनुकूल किया हुआ बात सत्य है ना। नाउ वी आर टॉकिंग एनी थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द पर्सन दैट इज कॉल्ड ट्रू, हम लोग व्यक्ति और सिचुएशन के अनुकूल जो बात करते हैं या काम करते हैं वह सत्य है, और दुनिया में कोई सत्य नहीं है। जैसे अभी मुझे बुखार लग जाए तो मैं दवा खाऊंगा ठीक होने के लिए, ये सत्य है, चूंकि व्यक्ति और परिस्थिति की मांग है। अगर परिस्थिति कहता है कि नहीं ये व्यक्ति खराब है, ये समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है,
उसको पीटने की बारी हो, यदि मैं पीटता हूं व्यक्ति और सिचुएशन को देखते हुए, तो ये पीटना हमारा क्या होगा? सत्य होगा। तो देखिए परिस्थिति क्या है, अब व्यक्ति कैसा है, तो व्यक्ति और परिस्थिति के अनुकूल जो आप काम करेंगे या बात करेंगे वो हमारा सत्य है, और सत्य कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं गड्ढा है तो हम उछल जाते हैं, उछल के कूद कर चले जाते हैं, ये क्या है? सत्य है। कहीं ईटा है बड़ा सा, उसको उठा के साइड कर देते हैं फिर चले जाते हैं, ये चूंकि वहां सब परिस्थिति की मांग है और मांग है कि भाई ईटा को साइड कर दिया जाए, तो वो क्या है? सत्य है। अगर हम देख रहे हैं कि कोई दो लड़का है आपस में झगड़ रहा है और हमारे झूठ बोल देने से ही अगर दोनों में प्रेम हो जाता है, तो आपका झूठ बोलना क्या है? सत्य है। तो सत्य कुछ भी हो सकता है, ये परिस्थिति और व्यक्ति पर डिपेंड करता है ना। तो वो व्यक्ति और परिस्थिति के अनुकूल किया हुआ बात सत्य है। ये बात को दम ध्यान से नोट कर लीजिए कि सत्य क्या है दुनिया में। पूछेगा अहिंसा, जिसमें हिंसा ना हो, मारपीट ना हो, झगड़ा नहीं हो, कोई बात बहुत प्रेम पूर्वक हो, है ना, बहुत प्रेम पूर्वक हो, आसानी से हो, उसमें कोई झगड़ा और हल्ला करने और मारपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो महात्मा गांधी हिंसा से काम नहीं करते थे, वो अहिंसा की पुजारी थे, अहिंसा से काम करते थे। तो पूछता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सफलता पूर्वक क्या प्रयोग किया, तो सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किया। अब देखिए एज द चीफ वीपन्स, यही उनका क्या था? प्रमुख अस्त्र था। पूछता है कि एज द चीफ वीपन्स, चीफ वीपन्स मतलब प्रमुख शस्त्र। पूछेगा कि महात्मा गांधी का प्रमुख शस्त्र क्या था, तो सत्य एवं अहिंसा, है ना, अगेंस्ट, यस, उन्होंने असत्य किसके विरुद्ध में प्रयोग किया, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ है, किसके खिलाफ में? द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के खिलाफ में। तो महात्मा गांधी ने सफलता पूर्वक जो है सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किया प्रमुख शस्त्र के रूप में, किसके खिलाफ में? अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के खिलाफ में, है ना। यहां पर कर देंगे ब्रिटिश, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश इन इंडिया, भारत में, एंड हेल्प्ड इंडिया, और यह उनका जो प्रमुख अस्त्र जो था वह मदद किया, हेल्प, मदद किया किसको? भारत को, गेन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कराने में मदद किया। यहां से फिर समझेंगे कि उन्होंने सफलता पूर्वक सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किया प्रमुख शस्त्रों के रूप में। तो प्रमुख शस्त्रों के रूप में महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के खिलाफ में, इंडिया भारत में, ब्रिटिश शासन के खिलाफ में प्रमुख शस्त्रों के रूप में महात्मा गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किया एंड हेल्प इंडिया, और यह उनका प्रमुख अस्त्र भारत को मदद किया गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र कराने में मदद किया। हम उसके नीचे में लिख दिए हिंदी में, उन्होंने भारत में, है ना, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य एवं अहिंसा को अपने प्रमुख शस्त्रों के रूप में सफलता प्रयोग, सफलता पूर्वक प्रयोग किया तथा भारत को स्वतंत्र कराने में मदद की। कितना बढ़िया, बताइए, एक एक लाइन क्लियर कर रहा है, एक एक वर्ड क्लियर कर रहा है, उसके हिंदी को मैं लिख दिया, प्रथम लाइन का हिंदी मैंने यहां लिख दिया, सेकंड लाइन का हिंदी हमने यहां लिख दिया, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोगों को, कलम कॉपी के साथ बैठना पड़ेगा बाबू, तब लाइन क्लियर हो गया। इसमें कुल 6 लाइन है, 4 लाइन अभी शेष बचा हुआ है, 4 लाइन हम फिर अगले वीडियो में आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, तब जाके महात्मा गांधी के बारे में जो जानकारी ब्रीफ में दिया हुआ है आपकी किताब में वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इस चैप्टर का जो पैराग्राफ है वो मैं शुरू करूंगा। आज जब ये किताब, जब ये प्रथम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन को हम लोग करने का काम करेंगे। इसी प्रकार से आपको 11 को कहानी पढ़ना है और 10 को कविता पढ़ना है ना, तमाम चीज को हम लोग करेंगे, ऑनलाइन ही काम करेंगे, क्लास जब खुलती है लॉकडाउन के बाद तो फिर क्लास में भी काम होगा, ऑनलाइन तो क्लास जारी ही रहेगा और फिर क्लास में भी काम होगा। और आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस ये जो चैनल है यह बहुत तेज सब्सक्राइब हो रहे हैं, ये आप लोग का बहुत बड़ा सफलता है। आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन में और हर जगह इस हिंदुस्तान के एक छोटे से छोटे गांव में भी आप इस वीडियो का ले जाने का प्रयास कीजिए, ताकि जिनको किताब बहुत टफ लगता है, लिटरेचर बहुत टफ लगता है, उनको ना लगे ये वीडियो देखने के बाद। और वीडियो मैं इसके आगे बनाता रहूंगा, ग्रामर और लिटरेचर दोनों का वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि जब बेल आइकन आप दबाएंगे तभी जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो वीडियो आपके मोबाइल तक या आपके पास उसका नोटिफिकेशन या वीडियो पहुंच पाएगा, है ना। अगर आप बेल का आइकन नहीं दबाइएगा तो नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, हम यह वीडियो अपलोड कर देंगे और मुझे लगे सब लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग नहीं किए हैं वो छूट जाएंगे।
इसीलिए वो करना आपका काम है, वो आप करते रहेंगे, वीडियो फैलाते रहेंगे। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पैराग्राफ ये जो महात्मा गांधी के बारे में जो पढ़ना है और लाइन थीस हम लोग अगले वीडियो में काम करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, सी यू अगेन।